नहीं, वहीं महाजंग के बीच यूक्रेन को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। रूस ने यूक्रेन का एक अटैक ड्रोन मार गिराने का दावा किया है, जिसका वीडियो भी अब सामने आया है। रूस की ओर से दावा किया गया है कि यूक्रेन का ये अटैक ड्रोन उसके हथियारों के अड्डे को तबाह करने के लिए भेजा गया था। ये ड्रोन रूस के हथियार ठिकाने पर हमला कर पाता, उससे पहले ही रूस ने उसे मार गिराया। आपको याद होगा, कल ही अखाड़ा में हमने आपको बताया कि यूक्रेन को एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी थी जब उसने रूस के एक और एम्युनिशन डेपो यानी इसको ड्रोन अटैक के जरिए मार गिराए थे। लेकिन आज रूस का कहना है कि फिर से ऐसा एक इरादा यूक्रेन की सेना ने किया, लेकिन हमने उसके ड्रोन को मार गिराया। अब जेलेंस्की का फैसला क्या आत्मघाती होगा, ये देखना पड़ेगा, क्योंकि अमरीकी अखबार में छपे एक आर्टिकल के मुताबिक जो बाइडेन जिस हथियार को यूक्रेन की तरफ भेजने वाले हैं उसमें हॉर्मस रॉकेट से लेकर स्टिंगर मिसाइल तक मौजूद है। इन मॉडर्न हथियारों की बदौलत यूक्रेन ने रूस को पिछले 100 दिनों से ज्यादा समय तक रोक रखा है। हालांकि जेलेंस्की खुद ये मान चुके हैं कि आज कम से कम 20% यूक्रेनी जमीन पर रूस और व्लादिमीर पुतिन की सेना काबिज है। अब अमेरिका यूक्रेन को और हथियार देने वाला है। इसका सीधा मतलब है अमेरिका यूक्रेन के जरिए रूस को युद्ध में लंबे समय तक उलझाकर रखना चाहता है। बाइडेन के लेख को गौर से पढ़ेंगे तो इसमें बकायदा हथियारों के नाम लिखे हैं। इसमें जेवलिन है, स्टिंगर भी है और Mi-17 हेलीकॉप्टर भी है, लेकिन बाइडेन ने हाई मार्स का नाम लेकर जिक्र नहीं किया। लेकिन पुतिन ने बाइडेन का इशारा बहुत अच्छी तरह समझ लिया है। उनके पास हाई मार्स रॉकेट की एक एक बारीक जानकारी है और वो जानते हैं कि अगर अमेरिका ने यूक्रेन को यह सिस्टम दिया तो इससे उनकी फौज को क्या खतरा हो सकता है। पुतिन के सामने की में शुरुआती नाकामी मिलने के बाद मारियोपुल में मिली बड़ी टक्कर है तो डॉनबास का मौजूद चैलेंज भी है। ऐसे में पुतिन की वार्निंग नंबर 2 देखिए, क्योंकि इसमें अमेरिका को लेकर बड़ा संदेश है। То, что мы видим, слышим, знаем, здесь это ничего не имеет общего с доверием к украинскому режиму или с недоверием. Это зависит от того, какие ракеты американцы поставят. Но то, что мы сегодня слышим, и как бы то, что мы понимаем, это ракеты, как раз которые на 45-70 километров, в зависимости от типа ракет, летят. Значит, ну то же самое было и с теми оградами, ураганами, смерчами, о которых я сказал. Там тоже дальность 40-70 километров. Ничего нового нет. पुतिन की फिक्र सिर्फ अमेरिका से सप्लाई किए जा रहे हाई मार सिस्टम नहीं है, क्योंकि अब ब्रिटेन की सरकार भी जेलेंस्की को नए रॉकेट सिस्टम से लेस करने के लिए एक्टिव हो गए हैं। ब्रिटेन की सरकारी वेबसाइट पर बहुत साफ साफ लिखा है कि वो यूक्रेन को मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम गिफ्ट देगा। नीचे बताया गया है कि ये M270 रॉकेट सिस्टम है जो 80 किलोमीटर की रेंज तक गाइडेड रॉकेट से हमला कर सकता है। लेकिन अमेरिका के हाई मार्स की तरह ये रॉकेट सिस्टम भी गजब का है। एक तरह से ये हाई मार्स का ही मीडियम रेंज के रॉकेट फायर करने वाला सिस्टम है। इसके शुरुआती 3 वेरिएंट के रॉकेट 32, 45 और 80 किलोमीटर की रेंज तक हमला करते हैं। ये वो सिस्टम है जिनकी जरूरत यूक्रेन को इस वक्त बहुत ज्यादा है, और यही देखकर नाटो और अमेरिका यूक्रेन को लगातार आधुनिक हथियार भेज रहे हैं। ये ऐसे हथियार हैं जो इराक और अफगानिस्तान में इस्तेमाल किए जा चुके हैं, और अभी इससे यूरोप के कई देशों के अलावा जापान, दक्षिण कोरिया, इसराइल और बहरीन की सेनाएं भी लैस हैं। इनसे ऐसे ऐसे रॉकेट भी दागे जा सकते हैं जिनकी रेंज 300 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर तक हो सकती है। हालांकि बोरिस जॉनसन यूक्रेन को 80 किलोमीटर रेंज वाला सिस्टम दे रहे हैं।
रेंज को लेकर ब्रिटेन ने भी वही किया, जिसे लेकर बाइडेन भी बैकफुट पर आ गए हैं और अमेरिका को बताना पड़ा कि वो मध्यम दूरी वाले हाईमार्स सिस्टम से ही यूक्रेन को लैस करने जा रहा है। हालांकि कम रेंज के साथ भी जेलेंस्की को लग रहा है कि वो ऐसे हथियारों से पुतिन को धूल चटा देंगे। Сполучені Штати Америки підтвердили на різних рівнях, що нашій державі направляються сучасні ракетні системи залпового вогню «Хаймерс». Ця зброя дійсно допоможе рятувати життя наших людей і захищати нашу землю. Я вдячний президенту Байдену, усім нашим американським друзям і народу Сполучених Штатів Америки за таку підтримку. Очікуємо. Дуже. लेकिन सवाल सिर्फ हाईमार्स या M270 रॉकेट सिस्टम का नहीं है। पुतिन को मालूम है कि अमेरिका और ब्रिटेन से यूक्रेन को क्या क्या मिल रहा है और ये भी डॉनबास में कौन कौन से फ्रंट पर उसका इस्तेमाल किया जाएगा। अभी अमेरिका से मिली जैवलिन मिसाइल से रूस को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। सेलेंस्की का दावा है कि उसने रूस के 1300 से ज्यादा टैंक और 3000 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियां उड़ा दी हैं। जेवलिन जैसी मिसाइल की मदद से यूक्रेन की फौज का एंटी टैंक हमलों में कामयाबी का रेट 95% तक रहा है। ऐसी कामयाबी उसे ब्रिटेन से मिली एनलॉ मिसाइल से मिली है, जो किसी भी टैंक या बख्तरबंद गाड़ी पर टॉप एंगल से अटैक करने के लिए बहुत ही बेहतरीन हथियार माना जाता है। Здесь, ну, примерно то же самое. Судя по всему, речь идет тоже о восстановлении утраченного, уничтоженного в ходе боевых действий. ब्रिटेन अब तक यूक्रेन को 5000 से ज्यादा एनलॉ मिसाइल दे चुका है। इसके अलावा यूक्रेन कानपुर हिंसा केस में पोस्टर छापने वाले प्रिंटिंग प्रेस के मालिक को पुलिस ने हिरासत में लिया। पूछताछ में प्रिंटिंग प्रेस के मालिक का कबूलनामा, हिंसा के मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी के कहने पर छापे थे 20 पोस्टर। पुलिस ने संदिग्ध आरोपियों की नई तस्वीरें जारी की। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को धमकी देने से किया इनकार। सूत्रों के हवाले से खबर, धमकी के बाद सलमान की सुरक्षा में 2 पुलिस अधिकारी तैनात। जांच के लिए 10 टीमें बनाई गईं। मथुरा पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राधा रानी मंदिर में की पूजा। मंदिर परिसर में व्यवस्थाओं का भी लिया जायजा। मुख्यमंत्री के साथ कई अधिकारी भी रहे मौजूद। इन्हें रूस से लोहा लेने के लिए वहां भेजा गया। डोनबास वो इलाका है जिस पर रूस अभी भी कब्जे का दावा कर रहा है, लेकिन यूक्रेन का कहना है कि ये इलाका अभी भी उसके कंट्रोल में है। और उसी डोनबास के जंगल में मौजूद यूक्रेन की टुकड़ी को पोलैंड से आई टैंकों की खेप सौंप दी गई, ताकि युद्ध में रूस से टक्कर लेने में ये उसके काम आ सके।